मेज़बान सूबाई वज़ीर सकाफ़त साईं सरदार अली शाह साहब, सूबाई वज़ीर रेवेन्यू मखदूम महबूब जमा साहब, सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़ अब्दुल बारी खान पिताफ़ी साहब, इतने सामू वेठल मूसा गड बीठल इतने सब मोजीन कमिश्नर साहब, एडिशनल आईजी साहब, डीआईजी साहब, इन ज़िले जा मोजीन खास तौर ते लतीफ़ साईं जा पांधीड़ा जेके सजे सिंध में बल्कि सजे मुल्क में हली इन उर्स आया उन सभी के अस्सलाम अलैकुम। मां मुझे लाए तमाम एजाज़ की गाल है तो अज लतीफ़ साईं जे 276वें उर्स मुबारक ते मां नरुगो इख्तिमादमी तकरीर जेकी हुई उन में शामिल थियस, पर जेको सिंध सूबे में सभी का वो अवार्ड दिनों वो है लतीफ़ अवार्ड, उन अवार्ड सेरेमनी में भी शामिल थियस, पांजे हथन सा इतने अवार्ड विरायम। सिंध सूबो सूफिन की धरती, अमन अमान जो गहवारो, साईं लतीफ़ सचल सरमस्त सामी कलंदर की धरती, उन में रहने वारा तां सबई प्यारा मानू, इन धरती न रुगो इन इलाके में इस्लाम की शुरुआत थी, सिंध बाबुल इस्लाम आहे, पर उन सा गडोगड पाकिस्तान सिंध असेंबली वह असेंबली है जो पाकिस्तान के लिए पेरी करारदाद मंजूर कई, तो न रुगो बाबुल इस्लाम आए पर असाजे प्यारे मुल्क जो खालिक भी यह सिंध धरती आए, ये तां सबई आयो असा तहजा वडा आहिन। इन सूबे के इन धरती के इन मुल्क के संभालण असाजो फर्ज आहे, इहा ही वजह आहे तो जडे असाजो अध मुल्क पान का अलग थी वो तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हो जे इन मुल्क के सहारो दिनो, इन मुल्क के ताकतवर बनाई, इन मुल्क के दिफा के हवाले से एटमी कुवत बनाई, पर उन का वधीक उन जी जेकी इन धरती इन मुल्क इतना मानुन लाए खिदमत हुई वह या हुई तो तहां सभी के आवाज़ दिनो। हाँ तवां जो आवाज़ न रुगो इन मुल्क में पर बाहर ताई रुगो शहीद जुल्फकार अली भुट्टे की वजह से सुनातो तो वे शहीद की खिदमतू इत पान तबर है जिते इन जाए ते पान बीठा हूँ जैसे पान वजीर खारजा हो तो 1962 में इन ऑडिटोरियम जो इफ्तिताह कई, उन्हें खा पो उनकी न्याणी असाजी भेण शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पिण इन धरती की इन मुल्क की खिदमत कई है। हाँ असा सब उनके फर्जंद असो सिंध जो नाज जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टे के विजन के अगते वधाइण लाए इते कम कयूं था पिया। साईं सरदार शाह कुछ गालियों कयूं, मुझे ख्याल है थोड़ो इते मुझे चवन था तो उर्दू में बटे लफ्ज ऐलाया जो ये मीडिया वारा हमेशा चवंदा पर मां इन्हें चवंदा वाह सिंधी सीखो
सिंधी न सिखंदो त तव्हांखे हिते जा माण्हू क़बूल न कंदा। ई धरतीअ मां हिन सिंध जी आवाज़ बि इते शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जेके सॼी दुनिया ॿुधंदी त तव्हां सिंधी सिखो, पर इन्हनि जी फ़रमाइश जेफ साहब सां ॿ टे लफ़्ज़ उर्दू में चई वरी मां तव्हांखे सिंधी में पंहिंजे ख़्याल जो इज़हार कंदुसि। इधर सरदार शाह साहब ने कुझु बातें की और वो बातें मेरे दिल के बहुत करीब हैं, ना सिर्फ मेरे पर जो भी सिंध का दर्द रखता है उसके बहुत करीब है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाल ही में, और मुझे अफसोस है कि ये बात एक सिंध के रहने वाले ने की थी कि जी आईन में आर्टिकल है 149, उसको इस्तेमाल करते हुए और वफाक का को कंट्रोल दिया जाए कराची का। इस बात पे पूरी सिंध सरापा एहतजाज हुई। सिंध असेंबली ने इसके खिलाफ करारदाद मंजूर की और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत सख्त मौकफ रखते हुए इस बात को मुस्तरद किया और अब यही हालत है कि वो खुद वजाहतें देने में पूरे हैं जिन लोगों ने ये सोचा छोड़ा था। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि सिंध को संभालने वाले यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में हम इस मुल्क को और इस सूबे को कोई आँच नहीं आने देंगे और इंशाल्लाह ताला आप सबका साथ रहा तो जो हमारे हकूक हैं, जिसमें हमें पानी से महरूम किया जा रहा है, जिसमें हमें पूरे तरीके से हमारी फाइनेंसेस जो हैं वो नहीं दी जा रही, आप लोगों का साथ हुआ तो ये जो इस्लामाबाद में बैठे हैं जिनको हुकूमत चलाना नहीं आती, अब कहते हैं कि जी नौकरियां ना मांगो, हम तो कंपनियां बंद कर रहे हैं, हम हुकूमत को, हम इस मुल्क को बिल्कुल बंद कर रहे हैं, जो इनका मंसूबा है। लेकिन जब तक इस मुल्क के खैर ख्वाह, जब तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चाहने वाले, जब तक आप लोग हमारे साथ हैं, इनकी ये साजिशें नाकाम होंगी। इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में हम सब मिलके आपके हकूक लेंगे, पाकिस्तानियों के हकूक लेंगे, इसलिए कि ये हुकूमत सिर्फ सिंध नहीं, अब तो जाहिर हो गया ना पूरे मुल्क में कहा है जी कहीं नौकरियां वोकरियाँ नहीं मिलेंगी। इधर हम जो नौकरियां देने के लिए तैयार हैं वहाँ पे कभी कोर्ट का सहारा, कभी पैसे ना देके हमें तंग किया जा रहा है, लेकिन हम इनका मुकाबला करना जानते हैं। आप लोगों का साथ होगा तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल अपनी साजिशों में नाकाम होंगे और आप लोगों की मदद से इंशाल्लाह ताला ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 18 अक्टूबर से परसों कराची में इंशाल्लाह ताला एक अजीमुशान जलसा कर रहे हैं, उसके बाद वो थरपारकर जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, आगे पंजाब जा रहे हैं। ये मुहिम शुरू कर दी है और ये मुहिम इस हुकूमत जो एक जाली मैंडेट के साथ आई है उसको ख़त्म करके ही पूरी होगी। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इसलिए कि आप सब महफिल जो है अभी जारी है, मैंने शाह साहब से इजाज़त ली है कि मैंने वापस कराची पहुंचना था, जो इश्यूज़ है शाह अब्दुल लतीफ़ स्काउट्स की बात की गई, ये बच्चे मुझे बताया सरदार शाह साहब ने हर साल यहाँ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मैं हुकूमत सिंध की तरफ से शाह अब्दुल लतीफ़ स्काउट्स के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान करता हूँ कि उनको मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ मटियारी डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए कि हम इधर बैठे हैं उसकी बात करना ज़रूरी है, वहाँ पे जो मसाइल हैं, यहाँ पे मुझे कमिश्नर ने बताया कि पब्लिक स्कूल तकरीबन तैयार है, उस पब्लिक स्कूल को हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक बेहतरीन मॉडल है, आईबीए जो है वो स्कूल संभाल रहे हैं। हमने रिसेंटली अभी पब्लिक स्कूल हैदराबाद भी आईबीए की इंतज़ामिया के हवाले किया है, इस पब्लिक स्कूल को भी हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं ताकि फाल बनाएँ इस इलाके के लोग, इस खत्ते के मटियारी ज़िले के लोग और आसपास के जो तालिबे इल्म हैं इस पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला आप ही के बच्चे आगे जाके इस मुल्क की, सूबे की बागडोर संभालेंगे।
इसके अलावा सूफ़ी यूनिवर्सिटी की बात की गई, सरदार शाह साहब ने खुद कहा है कि वो बैठ के, इसलिए कि ये इतराफ़ करता हूँ कि जिस तरीके से, और ये कॉन्सेप्ट जो था सूफ़ी यूनिवर्सिटी का, ये और इस पे जो पीछे इसके क़याम के पीछे जो शख्सियत हैं वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, तो उनकी जो विज़न है उसको आगे सामने रखते हुए मैंने शुरुआत ही की थी कि ये सिंध सूफियों की धरती है, अमन अमान की धरती है, तो ये सूफीज़म का पैगाम, ये प्यार और मोहब्बत का पैगाम हमने इंशाल्लाह ताला भिटशाह में जो सूफ़ी यूनिवर्सिटी है उसके ज़रिए पूरे दुनिया में फैलाना है। मैंने शाह साहब से कहा कि इसके लिए ज़रा बैठ के, और हमारे एडवाइज़र हैं जो यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स के, उनके साथ बैठ के और एक हल निकालें ताकि इस स्कीम को हम तेज़ कर सकें। बाकी मसाइल पानी के कहे गए, पानी का मैं आपको पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया था कि जो हमारा हिस्सा है जो 1991 के अकॉर्ड के तहत हमें मिलना चाहिए वो हिस्सा तो नहीं दे रहे। उस हिस्से के सिलसिले में भी मीटिंग्स, एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने हेड किया था और उन मीटिंग्स में मैं खुद गया और उस कमेटी की रिपोर्ट अप्रैल या मई है 2019 से फाइनल पड़ी है, जिसमें ये कंक्लूजन है कि जो सिंध का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, पानी उनको सही नहीं मिल रहा, लेकिन वज़ीर आज़म काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जिसमें उसमें फ़ैसला होना है उसी ने कमेटी बनाई थी, उसका इजलास तकरीबन एक साल हो गया नहीं बुलाते, जबकि आईन में लिखा है कि हर 3 महीने में इजलास बुलाना है। मैं आप सबके सामने एक बार फिर मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म से कि वह अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें, जल्द से जल्द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं ताकि ये देरी ना मसला सिंध का जो है वो हल हो, और ना सिर्फ हल हो, जो हमारे साथ पिछले 20 साल से 1999 से जो ज्यादती की गई है एक हिस्टोरिक यूज़ और उस अकॉर्ड को जो है एक गलत तरीके से इस्तेमाल करने की, ये ज्यादती का भी अजाला हो। मैं आप सबके सामने एक बार फिर वज़ीर आज़म से ये डिमांड करता हूँ कि जल्द से जल्द मीटिंग बुलाएं, हर 3 महीने में मीटिंग होनी है, एक साल हुए मीटिंग नहीं हुई, आईन का तो पास रखें जिसका आपने हलफ लिया है। और तो इंशाल्लाह ताला उसके बावजूद जो पानी की इधर शॉर्टेज है मटियारी ज़िले में, मखदूम साहब मुझे अक्सर बताते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ये मामला हल हो, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमें अपने हिस्से का पानी मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा हर एक जगह पे होगा। उसके साथ साथ हम स्कीम्स कर रहे हैं, कनाल लाइनिंग की स्कीम्स कर रहे हैं जिसकी वजह से हम पानी की बचत कर सकें और पानी ज़्यादा मुहैया कर सकें। मैं ज़्यादा वक्त, जैसे मैंने कहा, नहीं लूँगा। मैं आखिर में वरीब हिते जेकेब लतीफ़ साईं जा पांदीड़ा आयो, उन्होंने सभी के सलाम तो पेश कया, उन सा गडो गड सकाफत खाते के खास तौर पर साईं सैयद सरदार अली शाह साहब के मुबारकबाद तो दें, तो सोने नमूने यो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जो जो टिन डी जो उर्स मुबारक हो उनके इतने पान वही हर शय के ऐसी एकड़े सोने नमूने उनके पाए तकमील अज पहुँचाई, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो वरी भी तुम गड ये मुलाकातूँ कंदा रहंदासी। मैं एक बी गाल तक बुधा छा, मुख्य शुरू में करण खपी थे पर रहजी वही, और इतने वेठो हस तो मुख्य बिलावल भुट्टो सरदारी साहब जो फ़ोन आयो कलाक डेढ़ खनक में, जैसे रेस्ट हाउस में वेठो हस, उन्हें सभी पांदेड़न के इतने लतीफ़ सरकार सभी के सलाम पेश कया, वो पान उन्हें अचण से चाहो पर कुछ मसरूफियत के करे न अची सकया, तो सभी के बिलावल साहब जो सलाम पेश हुए, तब सभी की मेहरबानी। जिए भुट्टो।